अनुपात और समानुपात पार्ट सेकंड। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। तो हमने पार्ट वन की वीडियो में आप लोगों को कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज जरूर करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यदि a इक्वल टू b का 3/5 तथा b इक्वल टू c का 4/7 हो तो a रेशियो b रेशियो c मींस a अनुपाते b अनुपाते c का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे a इक्वल टू b का, अब यहां पर क्या है 3/5, तो हम 3/5 को 3:5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 3:5। तो अनुपात बेस यही ना होता है कि अनुपात में जो पहले आता है उसे अनुपात का पहले मिलता है और जो बाद में आता है उसे अनुपात का बाद में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए a पहले है मीन्स a का अनुपात क्या होगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर b बाद में है तो मीन्स b का अनुपात क्या होगा 5 हो जाएगा। तो हमने आप लोगों को पार्ट वन की वीडियो में बताया था कि जो हमसे पूछता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है a रेशियो b रेशियो c, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। अब हमारे यहाँ पर a का रेशियो कितना है 3 है तो हम a के नीचे ही लिखेंगे 3 रेशियो। अब b का रेशियो कितना है 5 है तो हम b के नीचे ही लिखेंगे 5। अब यहाँ पर क्या है कि तथा b इक्वल टू c का 4/7 तो मीन्स इसमें b पहले है तो b का अनुपात क्या होगा 4 होगा और c बाद में है तो c का अनुपात 7 होगा तो हम b के नीचे लिखेंगे 4 रेशियो। अब c का अनुपात कितना है 7 तो हम c के नीचे लिखेंगे 7। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा स्पेस है तो स्पेस के बगल की जो संख्या है इसी को हम लिख देंगे। तो स्पेस की बगल की संख्या कौन सी है 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी स्पेस है तो स्पेस के बगल में कौन सी संख्या है 5 है तो हम 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम पहले 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे या फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, हमारा आंसर तो वही आएगा। तो 4 3 12 तो यहाँ लिखेंगे 12 रेशियो। अब हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 4 20 रेशियो। अब हम क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे या फिर 5 को मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 5 6 35 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35। मीन्स a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा 12:20:35। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 और 81 का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा है 45 और 81 का अनुपात क्या होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45:81 मीन्स 45 अनुपाते 81। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 9 कॉमन है। देखिए 9 से दोनों कट जाएगा 9 5 45 9 9 81 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5:9 मीन्स 45 और 81 का अनुपात क्या होगा 5:9 यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2a = 6b = 3c हो तो a रेशियो b रेशियो c का रेशियो कितना होगा? तो दोस्तों इसमें भी हम वही करेंगे जो हमसे पूछा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c तो यहाँ लिखेंगे हम a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर दिया हुआ है 2a = 6b = 3c तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई का साइन है तो जब रेशियो में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहता है तो हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है। मीन्स अगर हम a का अपोजिट निकालेंगे
तो हम क्या करेंगे, ए को हिडन कर लेंगे, मिस छुपा लेंगे, मतलब कि जिसका भी हम अपोजिट निकालते हैं उसको छुपा लेते हैं। तो आइए पहले हम ए का अपोजिट निकाल लेते हैं। तो जब ए का अपोजिट निकालेंगे तो ए को हिडन कर लेंगे। अब क्या बचा, 6 and 3, तो हम 6 and 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ए के नीचे लिखेंगे 6 multiply 3, क्योंकि हम ए का अपोजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आइए हम बी का अपोजिट निकाल लेते हैं। तो जब बी का अपोजिट निकालेंगे तो बी को हिडन कर लेंगे। अब क्या बचा, 2 and 3, तो 2 and 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 multiply 3 रेशियो। अब हम सी को हिडन कर लेते हैं, मैं सी का अपोजिट निकालेंगे तो सी को हिडन कर लेंगे। अब क्या बचा, 2 and 6, तो 2 and 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करके इन तीनों का लिख देंगे। तो 6 3 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 रेशियो, 2 3 6 रेशियो, 2 6 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 6 है। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 18 कट जाएगा और 12 कट जाएगा। तो अगर कटता है तो काट देंगे और नहीं कटता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि ये 6 से कट जाएगा, तो आइए अब हम काट देते हैं। तो 6 1 6 6 3 18, 6 2 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रेशियो 1 रेशियो 2। मीन्स यदि 2a = 6b = 3c हो तो a रेशियो b रेशियो c, मीन्स a अनुपाते b अनुपाते c का रेशियो क्या होगा, 3 रेशियो 1 रेशियो 2, यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3a = 4b तथा 5b = 7c हो तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम वही करेंगे जो हमसे पूछा रहेगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, a रेशियो b रेशियो c, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर आपसे रेशियो में मल्टीप्लाई दिया रहता है तब हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है, मीन्स ए का अपोजिट रेशियो क्या होगा, 4 हो जाएगा और बी का अपोजिट रेशियो क्या होगा, 3 होगा। तो हम ए के नीचे ही लिखेंगे 4, क्योंकि ए का रेशियो है 4 रेशियो। अब बी का अपोजिट रेशियो क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि तथा 5b = 7c, मीन्स 5 का अपोजिट जो रेशियो है वो क्या होगा, 7, और c का अपोजिट रेशियो क्या होगा, 5 होगा। तो हम b के नीचे ही लिखेंगे 7 रेशियो। और यहाँ पर c का अपोजिट रेशियो कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब देखिए जब यहाँ पर स्पेस है तो स्पेस के बगल की संख्या कौन सी है, 7 है, तो यहाँ पर हम 7 को ही लिख देंगे। अब यहाँ पर भी स्पेस है तो इस स्पेस की बगल की संख्या कौन सी है, 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 4 7 28, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 रेशियो, 7 3 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21, 5 3 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब देखिए इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, 28 रेशियो 21 रेशियो 15, मीन्स 3a = 4b तथा 5b = 7c हो तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा, 28 रेशियो 21 रेशियो 15। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज जरूर करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।